बॉलीवुड इज नेवर डिसअपॉइंट्स अस इन डिसअपॉइंटिंग अस, यानी कि बॉलीवुड हमें निराश करने से कभी भी नहीं चूकता। दोस्तों नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? सुनकर बहुत आश्चर्य होता है, 500 करोड़ की बजट में हमारे प्रभु श्री राम का रामायण बनाया है बॉलीवुड वालों ने। ट्रेलर टी सीरीज के ऑफिशियल चैनल में 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं, वो भी रिलीज के ठीक 24 घंटे के भीतर में। यह आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाइए कि ब्रह्मास्त्र 3 महीने पहले अपने ऑफिशियल चैनल में अब तक 2.5 करोड़ लोगों के द्वारा देखा जा चुका है। आप इस वीडियो को देखिए जिसका असर आज तक लोगों के दिल और दिमाग में है। दोस्तों 3 महीने 2.5 करोड़ और ये 24 घंटे 7.5 करोड़, इतना तगड़ा फर्क है और एक वो फर्क है। लेकिन ऑफिशियली 7.5 करोड़ देखने वालों में कोई एक दर्शक नहीं मिला जो ये कहे कि वाह ओम रावत जी क्या फिल्म बनाई है। मन तो सच में ये करता है कि हाथ जोड़कर बॉलीवुड से ये कहें कि प्लीज तुम हमारे देवी देवताओं पर फिल्में मत बनाओ, क्योंकि इनका बॉयकॉट हमसे होता है और तुम इतना वाहियात बनाते हो कि हमें देखा जाता ही नहीं है। राम यहाँ रावण लग रहे हैं, रावण बगदादी लग रहा है, एक तैमूर लग रहा है, लक्ष्मण किसी फैशन शो के मॉडल लग रहा है और हनुमान नमाज पढ़ने वाला कोई मौलाना। ये है 500 करोड़ की फिल्म? भाई आस्था नहीं है तो रामायण नहीं बनेगी आपसे, समझते क्यों नहीं हो आप? ये जरूरी थोड़ी है कि सनातन शक्ति अगर जाग गई है तो उनको उनके हिसाब का प्रोडक्ट पकड़ा दो। नहीं बना पाओगे तुम हमारे सनातन हिसाब का कोई प्रोडक्ट, क्योंकि तुम्हारे अंदर आस्था ही नहीं है। रावण शिव भक्त थे, कभी मस्तिष्क पे तिलक लगाए बिना उन्होंने कभी कोई पूजा नहीं की। रामायण करोड़ों नहीं अरबों लोगों ने सैकड़ों बार देखा है, ये कोई सस्पेंस थ्रिलर नहीं है। रामायण की कहानी हमारे रोम रोम में रची बसी है। हम नहीं सोच सकते हैं भाई मूछों वाले राम जी के बारे में, टिकटॉकिये छपरी अंडरकट हेयरकट रावण के बारे में, वेल ग्रूम बियर्ड वाले लक्ष्मण जी के बारे में और बिना मूछों वाले नमाजी टाइप दिखते हनुमान जी के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। रामायण ट्रिमर एज की गाथा नहीं है ओम राउत जी। राम जी के रोल में लेने के लिए प्रभास को 100 करोड़ देना 100 करोड़ डुबाने जैसा नहीं लगा। अपनी एकमात्र अच्छी फिल्म बाहुबली के अलावा किसमें अच्छे लगे हैं? ऐसे दिखने वाले लोगों को क्या कहकर कमेंट किया जाता है जानते हैं? गांजा मारकर पड़ा रहने वाला आदमी, इसीलिए बोला जाता है कि सूखा नशा करके आए हैं क्या? मतलब राम जी के तेज जैसा क्या ही दिख गया इसमें? राम जी वाला चिरंजीवी मुस्कान कहाँ है? और जो सैफ अली खान अपने बेटे का नाम इसलिए तैमूर रखता है क्योंकि वो राम नहीं रख सकता अपने उस बेटे के नाम जो करीना कपूर नाम की एक हिंदू जन्मा महिला की कोख से निकल रहा है, वो राम की गाथा पर बन रही फिल्म से करोड़ों रुपए कमा सकता है। क्या बात है, जितने बार श्री राम के भक्त राम का नाम नहीं लेते क्रोध में आकर हमारे रावण भी हमारे भगवान का नाम इतनी बार लेते हैं। इतना धीमीपन जन्म से है ऐसे पैसों ने बना दिया है। फिल्म को लेकर क्या क्या लोग कह रहे हैं एक बार ये भी देख लीजिए, जाकर जहां फिल्म का टीजर रिलीज किया है वहां सुन लीजिए। और यहां नेतागिरी वाली फिलॉसफी नहीं चलेगी कि नाम और बदनाम जो भी हो खूब होना चाहिए। यह तो ऐसी गाथा है जिसके बारे में बुरा बोलना तो दूर, लोग सोचते तक नहीं है। रामानंद सागर जी के पास मालूम नहीं कितना बजट था, लेकिन एक इंसान दिखा दीजिए जो आपके इस VFX और एनिमेशन के कूड़े को उस रामायण से बेहतर बताता हो। राम जी से भगवा वस्त्र छीन लिया, सोने की लंका से चमक छीन लिया, लक्ष्मण से तेज छीन लिया और हनुमान को तो कहीं ना कहीं कहीं का छोड़ा ही नहीं। लोग तो अपने नायक बचाते हैं, बॉलीवुड का खेल देखो कि हमें खलनायक तक बचाने पड़ रहे हैं। आदि पुरुष
भारतीय संस्कृति में नायक ही नहीं खलनायक की भी एक गरिमा होती है। भारत के मानस में एक छवि राम की है तो एक छवि रावण की भी है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो रावण देवताओं का भी विजेता और विद्वान है। राम और रावण का युद्ध दो अलग अलग वैचारिक का युद्ध था। एक लोक को जीवन की मर्यादाओं की शिक्षा देता है तो दूसरा स्वच्छंद उपभोग की। एक का मार्ग सामंजस्य समन्वय और संतुलन का है तो दूसरा प्रकृति की सभी शक्तियों को अपने अधीन करना चाहता है। एक आत्मनिग्रह का साक्षात विग्रह है तो दूसरा अनियंत्रित भोग का। एक लोक को जीवन की मर्यादाओं की शिक्षा देता है तो दूसरा स्वच्छंद उपभोग का। एक का मार्ग सामंजस्य समन्वय और संतुलन का है तो दूसरा प्रकृति की सारी शक्तियों को सभी शक्तियों को अपने अधीन करना चाहता है। एक आत्मनिग्रह का साक्षात विग्रह है तो दूसरा अनियंत्रित भोग का। एक लोक जीवन में धारणा का प्रतीक है इसलिए रामो विग्रवान धर्मः कहा गया है तो दूसरा लोक को अपने अहंकार और भोग को तुष्ट करने के लिए सभी संसाधनों के अनियंत्रित और असीमित भोग का प्रतीक है। आधुनिक शब्दावली में यदि राम एक मानववाद के प्रतीक है तो रावण पूंजीवाद का प्रतीक है। रावण सड़क छाप गुंडा नहीं था, टपोरी या छपरी नहीं था और ना ही मूर्ख था, वो ज्ञान रहित प्रकांड विद्वान था। आज किसी चलचित्र में रावण की भूमिका निभा रहे एक पात्र का चित्र देखने को मिला और देखकर ऐसा लगा कि इससे हमारे खलनायक की मर्यादा का भी हनन हो रहा है। जैसे जिहादी मनोभाव को प्रदर्शित करने वाले रावण को प्रदर्शित किया गया है। हम ऐसे रावण की भी कल्पना नहीं करते। रामचंद्र सागर जी के रामायण धारावाहिक में अरविंद त्रिवेदी ने जैसी भूमिका का निर्वहन किया था वो रावण की मर्यादा की एक आदर्श भूमिका थी। हमें रावण भी हमारे सांस्कृतिक मर्यादा के अनुरूप चाहिए। उसी से हमारे श्री राम और उनकी सेना युद्ध करने गई थी। ऐसे चलचित्रों के माध्यम से केवल हमारे नायक ही नहीं अपितु खलनायक की मर्यादा के हनन का भी प्रयास हो रहा है। यहाँ दोस्तों, इन मजहबी लोगों के दुष्चक्र से हमें सिर्फ अपने नायकों को ही नहीं बल्कि खलनायकों के चरित्र की भी रक्षा करनी होगी। जैसे हमें हमारे श्री राम चाहिए वैसे ही रावण भी चाहिए। कोई अरब छाप रावण का विद्रुप स्वरूप स्वीकार नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे स्वरूप वाले छपरी से हमारे श्री राम लड़ने नहीं गए थे। 200 करोड़ की फिल्म बनाते हैं राजमौली जी तो 5 साल तक प्रभास को बांध कर रखते हैं और आप 500 करोड़ की बना रहे फिल्म जिसमें 100 करोड़ तो प्रभास को ही दिया जा रहा है और वो भी दे रहा है सिर्फ 6 महीने शूटिंग के लिए। पूरी फिल्म 1 साल में बनाकर तैयार कर देते हैं। क्या बात है, क्या बात। राम जी को चमड़े का पट्टा पहना दिया, धनुष में लोहा डाल दिया और रावण को चील कौओं में उड़ा दिया। हनुमान जो कहलाते हैं केसरी नंदन, उन्हें उनके केसरी ही गायब कर दिया। प्लीज इसे रिलीज मत करिए। हाथ जोड़कर कहती हूँ आपसे कि इस फिल्म को रिलीज मत करिए। आस्था नहीं है तो नहीं बनेगा रामायण, नहीं बनेगा आपसे महाभारत। मत छेड़खानी कीजिए, मत छेड़िए हमारे आस्था को और ज्यादा आघात मत पहुंचाइए। यही सच है, सिर्फ यही सच है कि फिर बजट क्यों ना चाहे वो 500 से 5000 करोड़ कर लीजिए, लेकिन आज मैं विनती करती हूँ कि हमारे रामायण महाभारत आस्था सनातन इन सब से दूरी बरतिए। और आप दोस्तों जो मेरे सनातनी आज मुझे देख रहे हैं, आप लोगों का कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और बताइए क्या रावण का ये चित्रण सही है, कहाँ तक उचित है। रावण जो सबसे बड़ा शिव भक्त था, जो विद्वान था, और आपको पता है कि उस वक्त चाहे वो माँ दुर्गा के हाथों से किए जाने वाले वध के जितने भी राक्षस गण हो, चाहे वो रावण का वध ही क्यों ना हो, वो सब एक लिखित था क्योंकि उन्हें हमारे देवी देवताओं के हाथ से वध करके उन्हें मोक्ष चाहिए थी, मुक्ति चाहिए थी और वो मुक्ति का द्वार खोलते थे।
अगर श्री राम के हाथ से रावण का वध होना ये तय था, क्योंकि रावण को मुक्ति चाहिए थी और ये इससे बड़ा मुक्ति कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए इस तरह की चीजें ये बॉलीवुड वाले, ये उर्दू वुड, ये भांडवुड कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि इनके अंदर वो आस्था नहीं है। इसीलिए तो ये कार्टून से भी घटिया बनाकर रख दिया है। बाकी आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पे यूं ही बने रहिए। अपने क्षमता अनुसार आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।